शहर की नवनिर्वाचित महापौर प्रमिला पांडे और 110 पार्षदों को कानपुर मंडलयुक्त डॉक्टर राजशेखर ने शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान नवनिर्वाचित महापौर प्रमिला पांडे ने देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की शपथ ली। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और विशिष्ट अतिथि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्य उपस्थित रहे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपने उद्बोधन में पहले तो नवनिर्वाचित महापौर और सभी 110 पार्षदों को बधाइयां दी। उन्होंने कहा कि शहर के विकास के लिए धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। शपथ ग्रहण के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 5 साल काम किया गया है और आगे भी काम किया जाएगा। जो घोषणाएं की गई है उन्हें पूरा भी किया जाएगा। कानपुर महानगर को नगर निगम सरकार के रूप में एक नया बोर्ड मिला है, एक नई महापौर जो पुराने 5 साल से सेवा कर रही थी वो मिली है, 110 नए पार्षद मिले। मैंने केवल यह संदेश देना चाहता हूँ कि जनता जिस समय आपके प्रति विश्वास व्यक्त करके आपको चुनती है तो आपकी जिम्मेवारी अधिक हो जाती है और उस जिम्मेवारी को जनता के प्रति समर्पित भाव से निभाना चाहिए। जनता की अपेक्षाएँ होती हैं, हमारा स्वभाव विनम्र होना चाहिए, सहयोगी होना चाहिए, सबके साथ मिलकर काम करने वाला होना चाहिए। और पिछले 5 वर्ष के अंदर जिस प्रकार से कानपुर ने एक अच्छा सुंदर शहर का स्वरूप लिया है, इसको और आगे बढ़ाने के लिए कानपुर महानगर सुंदर हो, स्वच्छ हो और कानपुर महानगर की पहचान पूरे देश में पहले नंबर के ऊपर हो, इसलिए हम सब लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा। माना जी, अभी किसी चीज़ की कमी रहेगी कानपुर? देखिए, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें, ऐसा थोड़ी है कि वहाँ पर नगर निगम नहीं होता, ऐसा नहीं है कि वहाँ सारे विकास एक नया चलने वाली प्रक्रिया है। आज सड़कें जितनी चौड़ी हैं कल उससे ज़्यादा चौड़ी की आवश्यकता पड़ेगी। कूड़ा रोज हम घर में साफ करते हैं, रोज उठना चाहिए, नाले नाली की सफाई, सीवरेज की सफाई रोज सिस्टम है। एक नया अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। कानपुर महानगर में बहुत कुछ किया और बहुत कुछ करने को बाकी है। कानपुर महानगर एक अच्छा और सुंदर स्वरूप ले, इस नाते से हम सबको मिलकर काम करना चाहिए।